हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही लंबा टाइम हो गया है कि मैं लॉन्ग वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, तो सोचा आज कुछ नया वीडियो लेकर आती हूँ। ये जो वीडियो है ये ना कोई फैशन से रिलेटेड है, ना इसमें कोई हेयर स्टाइल है और ना किसी हैक के बारे में है। ये हमारे जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा और संस्कृति के बारे में है। एक त्योहार के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो बहुत टाइम से पुराने टाइम से चला आ रहा है। कुछ लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा और कुछ लोगों के लिए ये त्योहार नया है। तो आज मैं जिस त्योहार के बारे में बात कर रही हूँ उस त्योहार का नाम है, उस फेस्टिवल का नाम है संजा माता पर्व। ये जो त्योहार होता है मोस्टली क्या होता है कि ये निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो ये जो त्योहार होता है वो श्राद्ध पक्ष के दौरान मनाया जाता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन निमाड़ क्षेत्र से है और कौन राजस्थान से है, किसके यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है और किसने ये त्योहार के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। इस त्योहार में ज्यादातर यंग लड़कियां और जो कन्याएं होती है वो बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाती है। इसमें क्या होता है कि जो घर की लड़कियां होती है वो अपने घर के बाहर दीवारों पर गोबर से अलग अलग तरह की आकृतियां बनाती है संजा माता की, और उसको रंग बिरंगे फूलों से या रंग बिरंगे जो पेपर होते हैं उसे डेकोरेट करती है। बहुत ही ज्यादा मजा आता है इस त्योहार में। मेरी तो बचपन की मेमोरीज ताजा हो गई है। मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ इस त्योहार को मनाने जाती थी सब जगह पर। बहुत ही ज्यादा मजा आता है और सब लड़कियां निकल जाती थी शाम को एक ग्रुप बनाकर कॉलोनी में हर घर जाकर संजा माता के गीत गाने के लिए। फिर हर घर में संजा माता के गीत गाते थे। बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है, लास्ट में फिर आरती होती है। आरती होने के बाद जब प्रसाद देने की बारी आती है तो इसमें हमको गैस करना पड़ता है कि प्रसाद में क्या हो सकता है। इतना इजीली प्रसाद नहीं मिलता है तो हमको गैस करना पड़ता है। निमाड़ी भाषा में बोलूं तो यहाँ पर बोलते हैं वहां पर कि आप जल्दी से ताड़ो, ताड़ना पड़ता है कि इसमें क्या है। जिसके घर का प्रसाद है उसको हम बोलते कुछ हिंट दो, उपवास का है कि बिना उपवास का है, बजा कर बताओ। तो ऐसे करके हमको गैस करना पड़ता है कि प्रसाद में क्या होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आती है, बहुत हंसी ठिठोली होती है। तो ये सब त्योहार मनाकर बहुत ही ज्यादा मजा आता था और सब लड़कियां इकट्ठा होकर सब जगह जाती थी और ताड़ती थी कि क्या प्रसाद है। और लास्ट में नहीं ताड़ पाए या नहीं गैस कर पाए तो भी हमको प्रसाद तो मिल ही जाता है। कहा जाता है कि संजा माता जो थी वो अपने मायके आई हुई होती है, तो उस दौरान जो उनकी सहेलियां होती थी वो उनसे हंसी ठिठोली करती थी। तो ऐसे ही इस गीत में भी हंसी ठिठोली होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस त्योहार को मनाकर। और ये पूरे 16 दिन मनाया जाता है। जो श्राद्ध की अमावस्या होती है आखिरी दिन होता है, उस दिन इस संजा माता का विसर्जन किया जाता है। किसी नदी में जाकर उनका विसर्जन किया जाता है। कुछ कुछ लड़कियां तो अभी भी गोबर से बनाती होंगी, लेकिन आजकल बदलते टाइम को देखते हुए बाजारों में भी संजा माता की डिजाइन मिलने लग गई है, संजा माता की जो आकृतियां है वो मिलने लग गई है। तो बस सोचा कि कुछ नया वीडियो लेकर आती हूँ मैं, अपनी परंपरा और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती थी, तो सोचा बता देती हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।